Come on, Jesus. Power of Holy Spirit. तेरे ऊपर रिलीज करता हूँ खुदा की उस जीवन पावर को, निकले इसकी बॉडी से, शरीर से, अंगों से, पेट से, सिस्टम से, आउट आउट आउट। जो इंसान खुद मुंह से अपने बोल रहा है कि अब मैंने बचना, वो क्यों बोल रहा है? ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि जो दुनिया की चीजें हैं वो इन्होंने कर ली। तो हॉस्पिटलों में इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत सी मेडिसिन वगैरह सब कुछ लगा, और इतना कुछ लगाने के बावजूद भी 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया। तो इस ब्रदर जी का नाम कुलदीप सिंह है और शेमाला गांव के रहने वाले हैं, और इनके साथ इनके फादर साहब हैं, और उनकी गवाही जे बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया था इनको फीवर की प्रॉब्लम थी, बुखार था, जिसके कारण जे बता रहे जे रोज़ ही मेडिसिन ले रहे थे और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जे बता रहे हैं कि जिसके कारण इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया, और जैसे इन्होंने फिर टेस्ट कराए तो जे बता रहे हैं कि क्योंकि फीवर उतर नहीं रहा था, मेडिसिन भी खा रहे थे, तो जब इन्होंने टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके खून में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और इनके लिवर में भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण जे अगर जो कुछ भी खाते तो इनको पचता नहीं था, और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि फिर इन्होंने जो भी थोड़ा बहुत कुछ खाते थे वो भी बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया था, इनका मन नहीं कर रहा था, और जिसके कारण इनकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई कि इनका चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो गया और जे बहुत ही परेशान हो गए। और फिर जे बता रहे हैं कि फिर इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जे बता रहे हैं कि जे 2 हॉस्पिटल में एडमिट रहे और इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, ड्रिप भी लगाए, इंजेक्शन लगवाए, मेडिसिन भी ली, पर कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मेडिसिन का भी इन्हें कोई असर नहीं हो रहा था, इतने ड्रिप लगा रहे कि जे बता रहे कि कोई हिसाब ही नहीं है, जितने इन्होंने इतना इलाज भी कराया पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, खाना पीना भी इन्होंने छोड़ दिया था, और उसके बाद इनके पूरी बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ गई, इनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और चल फिर नहीं सकते थे। फिर जे बता रहे हैं कि जैसे जे हॉस्पिटल से घर आए फिर इन्होंने पर्सनल मीटिंग की परमेश्वर के दास के साथ, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, इनको उत्साहित किया, क्योंकि इनका विश्वास नहीं बन रहा था, तो इनके फादर साहब ने इनकी फैमिली में सबको बोल दिया था कि अभी मैंने बचना नहीं है क्योंकि मेरी इतनी कंडीशन ख़राब है, इन्होंने अपने मुंह से कहा कि अभी मैं नहीं रहूँगा, बच नहीं सकता, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी और जे बहुत ही परेशान हो चुके, क्योंकि जब इन्होंने ऐसा बोला तो इसके कारण इनकी फैमिली का भी विश्वास नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण जे काफ़ी परेशान हो चुके थे, पर जैसे इनको टीच करते रहे परमेश्वर के दास इनको, तो जे बता रहे हैं कि जब इन्होंने फिर 13 अगस्त संडे की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए लैंड प्रार्थना हुई, और पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। शट शट ओ यीशु आ और जैसे इनके लिए लैंड हुई और इनके लिए प्रार्थना की गई, तो जब बता रहे हैं कि उस दिन ही जो इनके हाथ इनके पाँव में बहुत ही स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा सोज थी, जब बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उस स्वेलिंग से सोज से इनको आज़ाद कर दिया, फिर जो इनजे खा भी नहीं रहे थे, कुछ भी इन्हें पच नहीं रहा था, इनका मन भी नहीं कर रहा था, तो जब बता रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया और इनको पचना भी शुरू हो गया, और जो मेडिसिन से कोई भी असर नहीं हो रहा था, पर जैसे जो कि जितनी भी प्रॉब्लम थी नेगेटिविटी प्रभाव के कारण थी, और जैसे प्रार्थना हुई तो जब बता रहे कि परमेश्वर ने इनको उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से अभी आज़ाद कर दिया, अभी कोई लिवर में इन्फेक्शन नहीं है, ना इनके खून में इन्फेक्शन है, जब बता रहे कि कोई भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, फीवर भी अभी बिल्कुल सही, इनका
खा पी भी रहे, कोई बात, कोई भी अभी बॉडी में वीकनेस नहीं, कमजोरी नहीं है, अभी जे चल फिर अपना काम भी कर रहे, जे बता रहे कि भी परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है, और इस गवाही के लिए जे परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, और जे बता रहे कि अभी एक महीने से प्लस समय हो गया, जे बिल्कुल अच्छे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी नहीं है। बोलो क्या है? जो इंसान खुद मुंह से अपने बोल रहा है कि अब मैंने बचना, वो क्यों बोल रहा है? ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि जो दुनिया की चीज है वो इन्होंने कर ली, दो हॉस्पिटलों में इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत सी मेडिसिन ड्रिप वगैरह सब कुछ लगा लिया, और इतना कुछ लगाने के बावजूद भी 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाथ पांव पे स्वेलिंग है, वो सूजन है, बॉडी में इतनी वीकनेस, कुछ भी चला फिरा नहीं जा रहा। ये 4 कदम चलते थे तो थकावट हो जाती थी, इतना शरीर कमजोर हो गया था। बोल गए, इतना शरीर कमजोर हो गया था, और इन्हें लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगा। समझ आ रही है? पर वो परमेश्वर महान है, दयावान है। बोल गए, तो इतना कुछ, क्योंकि लीवर में भी इंफेक्शन हो गई, पूरी बॉडी का सिस्टम जो खराब हो गया था। थोड़ा ने माइक दो, इनसे पूछते हैं थोड़ा। पापा जय मसीह दी। जय मसीह की। क्या 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 हो गया था आपके फादर को, थोड़ा सा बताओ। पापा जी ने लीवर च बहुत प्रॉब्लम सी, और ट्रीटमेंट भी करवाते रहे, असी हॉस्पिटल बड़े बदले, 1-2 हॉस्पिटल भी इन्हों करवाया, पर उन्होंने कहा कुछ फर्क नहीं पैंदा। कोई फर्क नहीं पैंदा? हाँ जी, उत्थे जो रेंदे ही उदो फर्क रेंदा सी, बाद जो घर ले आंदे फिर वही फिर वैसे ही हो जाता, फिर वैसे ही हो, कुछ समय के लिए फर्क रहता फिर वैसे ही हो जाता। हाँ जी वही, और समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा। हाँ जी, और इसीलिए ये आपको बोल रहे थे कि अब मैं बचूंगा नहीं। हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम सी, रिश्तेदार भी साडे सानू कहंदे सी कि तुसीं जांदे ते इन्हां दी होर हालत बिगड़दी आ रही है, पर सानू विश्वास ही कि परमेश्वर करेगा इस चीज़ नूं। तो रिश्तेदार भी ताने मेने देने लगते हैं ना, तुम चर जाते हो, लो जी ये क्या है वो क्या है, बोलो क्या है? फिर रिश्तेदार भी ताने देने लगते हैं, पर जैसे ही ये पर्सनल मीटिंग में आए, मैंने कुछ चीज़ें खुदा के वर्ड से इन्हें समझाई और दी कि रीति से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे उसमें बने रहना है, क्या करना है, और ये बने रहे। और कुछ उसी दिन बोले क्या है? ऐसे बॉडी में कुछ ताकत आई, फिर मीटिंग में आए, ले हैंड हुई, और आज ये सारे दुख से, सारी प्रॉब्लम से आज खुदावंद ने पूरी तरह से आज फ्री कर दिया। बोल क्या है? आज महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि वो सच्चा है, वो धोखा नहीं है। समझ आ रही है? बस इसी विश्वास में सबने रहना है। बोल क्या है? इसी विश्वास में, इसी फेथ में सबने रहना है। ओके, तो इस बड़े काम के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए हम दोनों हाथों को उठाकर, क्योंकि इन्हें एक नया जीवन मिला है। बोलो क्या है? ये नया जीवन मिला है। जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को।